नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। आज हल्द्वानी के तीन पानी स्थित ट्यूलिप हाउसिंग में एचपीसीएल द्वारा पाइप नेचुरल गैस का डीकंप्रेसर लगाया गया। आपको बता दें कि ये नैनीताल जनपद का पहला पीएनजी डीकंप्रेसर है। हल्द्वानी के मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने प्लांट का उद्घाटन किया। वहीं मौके पर एचपीसीएल के धर्मपाल गुप्ता भी मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि पीएनजी एलपीजी से काफी हद तक ज्यादा सेफ है और इस डीकंप्रेसर की मदद से बढ़ते सिलेंडर के रेट से भी राहत मिलेगी। ट्यूलिप हाउसिंग के मैनेजर संजीव शर्मा ने बताया कि यह नैनीताल जनपद का पहला पीएनजी डीकंप्रेसर है और इसकी मदद से ट्यूलिप हाउसिंग की गृहिणियों को काफी मदद मिलेगी और ये गैस एलपीजी से 30-40% सस्ती है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आज ट्यूलिप होम सोसाइटी में पहला पीएनजी कनेक्शन भी दिया गया है और भारतवर्ष का पहला डीकंप्रेसर यूनिट भी आज यहाँ पर लगा है। तो मैं ट्यूलिप सोसाइटी के सभी रेजिडेंट्स को भी बहुत बधाई देता हूँ और इंडियन ऑयल यानी भारत बीपीसीएल के सभी ऑफिशियल्स, एचपीसीएल के सभी ऑफिशियल्स को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आज हल्द्वानी में पहला पीएनजी संयोजन उनके द्वारा दिया गया है। और सभी गृहिणियों को भी, माताओं बहनों को भी, सभी को बधाई देता हूँ कि ये किफ़ायती भी होगा और सुरक्षित भी होगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस जो मुद्दा विहीन है, आज सिलेंडर का मुद्दा भी हमने छीन लिया। जो सिलेंडर लेके वो आंदोलन कर रहे थे, अब सिलेंडर लेके आंदोलन करना मैं समझता हूँ निरर्थक है, क्योंकि घर घर में पाइपलाइन के थ्रू आपका गैस सप्लाई होगी तो सिलेंडर का कोई औचित्य नहीं रह जाता और किफ़ायती भी रहेगी। जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है और जो भी ऑफिशियल्स आपके एचपीसीएल के हैं उनके द्वारा पता चला है कि 40% कॉस्ट डिडक्शन रहेगा। पीएनजी का सबसे ज़्यादा जो लाभ है वो इसका सुरक्षा है, क्योंकि पीएनजी हवा से हल्की होती है तो ये अगर लीक भी होती है तो हवा में फैल जाती है, जबकि एलपीजी हवा से भारी होती है तो वो लीक होकर वो नीचे बैठ जाती है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है उसका सुरक्षा का है। और दूसरा जो फ़ायदा इसका कॉस्ट का है, जो हमने अभी यूनिट लगाया उसमें कॉस्ट में उतनी कमी नहीं आ पाएगी जितनी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा तो वो वाला मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जैसे जब हम इसकी फाइनल कमीशनिंग करेंगे, जब हमारी पाइपलाइन बिछ जाएगी स्टील की पाइपलाइन, तो उसके बाद जो हम कह रहे हैं, जो हम इसकी देख रहे हैं किफ़ायत, तब हमें उसकी वो किफ़ायत मिलेगी। इससे 30-40% डिपेंडिंग ऑन की इंटरनेशनल गैस के प्राइस क्या है, इंटरनेशनल एलपीजी के प्राइस क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए तो 30-40% हमें कम मिलता है। ये नैनीताल ज़िले में पहला प्लांट है, उत्तराखंड में और जगह भी दूसरी कंपनियों ने लगाया है, लेकिन इस तरह का प्लांट जो डीसीयू जिसको बोलते हैं, ये उत्तराखंड में पहला प्लांट है और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पूरे भारतवर्ष में पहला प्लांट है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी से कुछ लोग आए थे, वो मेरे से मिले, जो कि मेरा काफ़ी पहले से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से वास्ता है, उसका कारोबार करते आ रहा हूँ मैं। तो जब इनसे पता चला कि कुछ ऐसी यूनिट आई है, क्योंकि जो पाइपलाइन गैस आ रही है वो रुद्रपुर तक पहुँची है, अभी रुद्रपुर से हल्द्वानी आने में करीब दो से तीन साल का समय लग जाएगा, तब तक के लिए पाइपलाइन की गैस बिछ रही थी और हमारी कॉलोनी में ऑलरेडी बिछ चुकी थी। तो उन्होंने मेरे को बताया, अगर आप यहाँ पर कुछ जगह देते हैं तो हम एक ऐसी यूनिट लगा सकते हैं जिसमें आपके रेजिडेंट को सबों को पाइपलाइन गैस अभी से मिलना चालू हो जाएगी। अब चूंकि पाइपलाइन गैस जो है वो इकोनॉमिकल तो है ही, मतलब काफ़ी सस्ती पड़ती है एलपीजी से, एलपीजी में काफ़ी टाइप के बड़े प्रॉब्लम भी हैं, जैसे सिलेंडर खुद 14 किलो का होता है, उसमें सिलेंडर का भी वजन होता है, तो टोटल मिला के करीब 20-22 किलो की सिलेंडर होता है, उसको उठाना गृहिणी द्वारा, फिर बार बार बुक कराना, कभी टाइम से नहीं आना, फिर उसको उठा के अपने रेगुलेटर तक लगाना, मतलब काफ़ी दिक्कत की चीज़ें होती हैं ये। तो इसमें क्या है, जैसे आपके बिजली का कनेक्शन होता है, हर 2 महीने बाद आप जितना भी बिजली का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद उसका बिल आ जाता है, ऐसी इसमें हर 2 महीने बाद इसका बिल आ जाएगा, आपने जितना इस्तेमाल करा है केवल आपको उतना ही बिल देना है। तो इन सब चीज़ों को टोटल मिला के काफ़ी अच्छी सुविधाजनक चीज़ हमने अपनी कॉलोनी वासियों को यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। तो इस खबर में अभी के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।